तो हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल सो गाइस स्टोगाई एबल टू सी आज के सेशन में हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बेस्ड ऑन द डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन सो गाइस जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड इफ एबल टू सी ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मोस्टली इंपॉर्टेंट फॉर जो महाराष्ट्र सेट के हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं जिनका एग्जाम आफ्टर फाइव टू तो सिक्स के बाद होने वाला है उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीयर एग्जैक्ट एज पर द एग्जाम स्पेसिफिक हम क्वेश्चन को देखेंगे एज वेल well उसको सॉल्व करेंगे गाइस सो so, गाइस जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए एज वेल सेशन को अपने दोस्तों अपने फ्रेंड जितने कॉलीग जो भी है जो महाराष्ट्र सेट एज वेल द नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सके सो एवरीवन वन ज्वाइन क्यूकली मार्क योर प्रेजेंट एज वेल कन्फर्म अबाउट माई ऑडियो एज वेल वीडियो गाइज एवरी वन ज्वाइन क्यूकली तो का जल्दी से जल्दी ज्वाइन होता है मार्क प्रेसिडेंट एवरी वन का दस आफ्टर वन मिनट वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट द सेशन गाइज सोमा वेरी गुड मॉर्निंग सो एवरी वन ज्वाइन प्रेजेंट गाइस आज का जो भी क्वेश्चन होगा टोटली totally बेस्ड होगा आपका डिजिटल इनिशियटिव इन हायर ये कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो हियर यूर गोन्ट टू नो ऑल दोन गाइज ओके So, everyone, let's see how many are here. <clears throat> so, guys, so here we are going to start this session without wasting the time. Okay. Hi, Minaxi. Very good morning. so the guys join quickly. to share this session to your friends, guys, don't miss to share this session. okay, guys, here we are going to be start the session. before starting, see the introduction about me. i am Chandan, assistant professor of computer science. you able to see i got qualified in it gate vr state as well the aws. so if you able to see, and if you talk about that, my qualification, i did i am safe from pondicherry university. i have more than two years of experience in

Uh, जो हमारा मुक होता है वहाँ से क्वेश्चन क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिजिटल इनिशियटिव इन हायर एज वेल क्वेश्चन मतलब और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे जितने सारे जो कैटेगरी होती है इन साइड जो डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन तो उससे रिलेटेड जितने सारे हमारे कैटेगरी बनते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन वहां से हम क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे गाइस ओके सो इफ यू एबल टू हियर गाइस सो लेट्स सी दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन गाइस सो टेल मी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन या मुख या सॉरी So if you able to know, guys, tell me the answer for that question. Which initiative has launched by the government to provide the massive open online courses like MOOCs in the higher education? Is that EPZ Parsala, Swayam, National Digital Library, as well e Sindhu, guys? So which one going to be the correct answer, guys? Okay, Minachi saying Swayam in the option number B is going to be the correct answer. So guys, if you want able to see. इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जो मुख्य है ना सो so इस पे क्वेश्चन आता है बहुत बार आता है रिपीटेड क्वेश्चन आता है सो so, क्या होगा आंसर गाइस सो सी लेट सी सो एंड ऑल प्लीज रिस्पोंड योर आंसर हियर भाई प्राची एंड ऑल ओके सो अवेलेबल टू सी एवरीवन सेइंग ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर सो व्हाट अबाउट द अदर गाइस एवरीवन एवरीवन रिस्पोंड

so guys what answer we are going to be get so few able to know uh, everyone saying the different different option so let's see kya iska answer hone ja raha so kya answer ho guys west ministry ke dwara hum isko kiya gaya initiate kiya gaya like emi ctc ctc guys so what we are going to be get here so few able to know guys we are going to be get the MS, जो है एम एस आर डी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू इसको इनिशियट किया गया अंडर द नेशनल मिशन एडुकेशन थ्रू द इनफॉर्मेशन एज बल द कम्युनिकेशन जो हमारा एन एम ई आई सी टी है

ऑफिसर्स एज वेल द लाइक टू सी ऑल द डिटेल सारे के सारे फ्रीली है सो फॉर दैट नीड टू बी एनरोल योर सेल्फ देन आफ्टर दैट आर गोन्ट टू गेट ऑल फैसिलिटी सो फॉर दैट बी विजिट जो हमारा आई एफ एस का ऑफिशियल वेबसाइट है देन आफ्टर दैट युवा गोन्टी गेट ऑल थिंग ऑल्सो आप यहाँ पर एप को भी डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट अपने जो भी आपका

नाम से ही मालूम चल रहा है नेशनल अकेडमिक डिपोजिटरी सो डिपोजिटरी क्या होता है ना इफ यू एबल टू नो गाइस कि आप जैसे किसी किसी प्लेटफॉर्म जैसे कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करोगे ना एज वेल समेर तो आपका एक प्रोफाइल क्रिएट होता है वहाँ पर कि आपका टोटल एक्सपीरियंस क्या है आपका आप टोटल जैसे कि वी कैन टॉक अबाउट दैट कि जैसे कि एक हमारा रेपो होता है सेम लाइक दैट इफ़ एबल टू सी डिपोजिटरी जहाँ पे डिटेल आपको सारे के सारे उस एकेडमी से रिलेटेड वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं टू नो बी ए बी सो एवरी वन से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन सो वॉट गोन्ट टू बीयर सो गाइज आंसर क्या होगा ऑब्वियसली गाइज नैड का मेन फंडा क्या था टू डिजिटाइज द एकेडमिक सर्टिफिकेट एज वेल द ट्रांसक्रिट मतलब की

Digitally उसको क्या करना, करने का काम था इसका एन ए डी का ओके सो मोस्टली इफ यूल टू गेट ऑल द थिंग जहां पे आपको सर्टिफिकेट भी हो गया सो यू आर गोन्ट टू भी गेट थ्रू द डिजिटली आपको विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती तो ऑल द थिंग सारे के सारे फैसिलिटी यहाँ पे

मोस्टलीफेबल टू सी गाइज फिफ्टीन टू सिक्सटीन मोस्टली मोस्ट प्रोबली एज फॉर माई ओपिनियन मतलब पंद्रह एक ऐसे ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजिटल इंस्टेटिव के पार्ट है अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं ना सो so इजिली आपके एग्जाम में उससे हट के क्वेश्चन नहीं आता उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज पर माई एनालिसिस है ना फिफ्टीन टाइप्स के बना के रखे हैं एंड इफेबल टू गो ऑल दो फिफ्टीन को अच्छे से कर लेते हैं सो so उससे हट के तो क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता आएगा क्या आंसर होंगे लेट सी एवरी वन सो यर एबल टू गेट बी 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 एवरी वन सिंह शोध इन दो गाइज इफ यू एबल टू नो बफर हो रहा है अरे कोयल हाय अरे बफर हो रहा है क्या रियली बफर हो रहा है अभी क्लियर है गाइस कि अगेन बफर ही हो रहा है। नहीं ऐसा क्यों हो गया अभी बफर हो रहा है कि और क्लियर है गाइस टेल मी कंफर्म अबाउट दैट सो गाइस यही है सो so, इसका आंसर क्या होगा सो इफ यू टू सी सॉरी तो इसका आंसर क्या होगा सो ऑब्वियसली ई सो सिंधु इसका आंसर होगा बफर हो ही रहा अभी अरे यार ऐसे क्यों हो गया जस्ट वन मिनट का अभी कैसा है गाइस पता नहीं नेटवर्क इशू या क्या चल रहा है वाई इट विल बी गोइंग टू बी या बफर है ना गाइस कैन एनीवन रिजॉल्व दिस इशू व्हाई इट विल बी गोइंग टू बी या क्या हुआ काजल ऑल क्लियर सो लेट सी गाइज इफ एबल टू नो वाट गोन्ट टू बी यर सो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी द एम एस आर डीज गोट टू बी फॉर्म फॉम दो सिंधु मर्जिंग द थ्री वॉट गाइज कंसल्टिंग इनिशिएटिव नेम ऑफ द यूज सी इंफोनेट डिजिटल एबल टू सी लाइब्रेरी एंड इफ एबल टू सी एन एल आई एस सी टी एज सो मोस्टली इफ एबल टू सी गाइज कि आपके रिसर्च क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव दिया था इट विल गोन टू बी फ्रॉम द ई सोच सिंधु के थ्रू इसको दिया गया था जहा पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में आप देखोगे उसका कि कौन सा कैटेगरी में क्या क्या मिला था मोर डिटेल के लिए आप देखोगे तो वहाँ पे सारे वो डिटेल्स मिल जाएंगे सो दैट्स सो इफ एबल टू नो गाइस कि जैसे मैंने बताया टोटल हमारे फिफ्टीन ऐसे इनिशिएटिव है

क्लियर कि हुआ पता नहीं अभी थोड़ा शायद सही हो गया होगा अभी क्लियर है गाइस अभी क्लियर है ना कैन यू एबल टू से अभी बफर हो रही है कि क्लियर है एवरी वन अगर क्लियर है तो इसका आंसर बताएं व्हाट वाट क्वेंटीब्यू है अब देखो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट अगर देखोगे तो इसको बहुत बार रिपीटेड किया गया क्वेश्चन है बहुत बार इसको पूछा जाता है गाई कि जो हम कोर्स करते हैं ना ऑनलाइन एनपीटीएल के थ्रू यू नो एन एनपीटीएल के थ्रू जो हम कोर्स करते हैं तो वो किसके उसका जो पार्ट होता है ना वीस इंस्टीट्यूशन गोइंग टू बी द कंडक्टेड ऑल दोस कोर्सेस का लाइक सिलाई की पेपर टू सी एनपीटीएल नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहानस लर्निंग इज द कोलेबरेटिंग एफोर्ड बिटवीन विस इंस्टीट्यूशन काियर किया जाता है मतलब इसको किया जाता है इज दैट ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया एज वेल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब जितने सारे आई आई टीज है एज वेल द आई आई एस सीज है एन इफेबल टू सी ऑप्शन नंबर सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो आई आएम है एज वेल एन आई टीज उनके थ्रू एज वेल ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी इंडिया तो किसके द्वारा इस हमारा जो एन पी टी एल का कोर्स को जो हम देखते हो आप तो किसके थ्रू इसको विस इंस्टीट्यूशन गोइंग टू बी गेट

जितने सारे आई है तो वहीं की वो फैकल्टी हो तो मोस्टली फेवर टू सी उस सारे ये एनपी टीवल जितने सारे कोर्सेज होते हैं तो ये जो कंडक्ट करता है एज वेल टू बी प्रोवाइडेड बाय द ऑल आई आई टीज एजवेल सो मोस्टली फेवर टू सी सो फॉर दैट इफ इफे टू नो हमारे ऑप्शन नंबर बी होगा कि जितने सारे आई आई टीज एजवेल आई आई है उनके द्वारा इसको कंडक्ट की जाती है सो अकॉर्डिंग टू दैट एन फेवर टू सी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत बार रिपीटेड किया गया बहुत बार पूछा गया ओके सो लेट्स सी हियर हियर यू आर गोइंग टू बी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन कि विल्स डिजिटल इनिशिएटिव एम्स टू कनेक्ट द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद द हाई स्पीड डेटा नेटवर्क गाइस इज द नेशनल नेटवर्क नॉलेज सॉरी नॉलेज इन नेटवर्क स्वयं ईशो सिंधु एज वेल वर्चुअल लैब्स गाइस सो व्हाट आंसर गोइंग टू बी हियर विल्स डिजिटल इनिशिएटिव एम्स टू कनेक्ट द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन with the highest speed data networks guys you're going to be getting so kyan soroga does that and kyan shoyam so sindhu as well virtual labs शासवंत सिंह ऑप्शन नंबर ए ए एलर सिंह ए गौरी अमरदीपी सो यस गाइज एबल टू नो नेशनल नॉलेज नेटवर्क नाम इज नेशनल नॉलेज नेटवर्क सो दे आर गोइंग टू बी provide this all facility guys okay so if you able to know so with digital is it going to be connect the higher education institution with the highest speed data as well the network guys so if you able to know national knowledge or network so mostly if you able to so they are going to provide all those facilities jahan pe aap easily as well the fastest way mein koi bhi आप जो भी करें स्कूल से रिलेटेड जो भी एकेडमिक रिलेटेड जो पालेक्स इफ यू कंपेयर बी द प्रीवियसली as well करेंटली हो रहा है तो जितना fast as well technology का इम्प्रूवमेंट देख रहे हो as well all those things so mostly they are going to be

क्या किया, इनिसेट किया हो गया इनिशिएट किया होगा इंप्लीमेंट किया होगा तो इस पर भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है सो दैट्स वाई नीड टू बी मेक पॉइंट फॉर ऑल दो थिंग इसकी कौन एम एस आर डी कौन आई आई टी कर रहा है कौन क्या कर रहा है तो उसको आप देख लोगे तो ऑब्वियसली एक दो क्वेश्चन उस पर भी आ जाते हैं सो इम्पॉर्टेंट है सो so so क्या आंसर होंगे इसके इफ एबल टू सी एंड ये भी देखो अगर स्वयं हो गया यशोद सिंधु हो गया फेवर टू सी पाठ साला हो गया ऐसा कुछ कुछ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आते हैं मोक्स हो गया सो so गाइस क्या आंसर होंगे डी like MSRD Ministry of Human Resource Development. So cancer okay guys, everyone. <throat> so yes guys थैंक यू श्वेता थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट आई एम ट्राई टू वेस्ट माई सेल्फ ओके सो गाइज टू बी हियर सो ये यू जी सी गाइज दैट्स वेरी सिंपल ना आपने पढ़ा होगा ना इसके बारे में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा स्वयं तो जो इनिशिएटिव है उसको इम्प्लीमेंट किया गया सो दैट्स वाई इन नो आई वॉन्ट टू से गाइज कि जो पहले जितने सारे ये इंपॉर्टेंस है ना जैसे कि मूक एवर टू से एम डब्लू सी के सी एस हो गया मोक्स हो गया ई पाठशाला हो गया आ आपको देखोगे सो so, जितने सारी ये इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट जो इनिशिएटिव है ना सो इफ एबल टू नो गे बी टू डे आई एम ट्राई टू मेक वन वीडियो जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो डिजिटल इनिशिएटिव है ना उसके नेम को मैं लिस्ट करके एक वीडियो बनाता हूँ एज वेल आई आई एम गोइंग टू बी एड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दोज इनिशिएटिव बाइज ताकि आप एक बार उसको देख ले एज वेल well, उस को आप अच्छे से रिवाइज कर एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू बी एड कि क्या क्या आप पढ़े जो जित जितने सारे इंपॉर्टेंट जो डिजिटल इनिशिएटिव हाई एडुकेशन कर जितने सारे आते हैं उसके बारे में क्या क्या आपको ज़्यादा करके फोकस करने हैं तो वह अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं ना एक उसको रिवाइज कर देते हैं एग्जाम के पहले ना तो ऑब्वियसली आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो हंड्रेड परसेंट आप उसको मार्क करके आओगे क्योंकि मोस्टली अगर देखोगे तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि, कि किसके थ्रू इनिशिएट किया इसका मेन पर्पज़ क्या था यही दो तीन चीज़ें जो आपको रिमेंबर करने हैं सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फिफ्टीन म्याज उसको चूज करके आपको एक वीडियो बना के अपलोड करवा देंगे वहाँ पे आपके चैनल जो आप फिर टू सेट एग्जाम पर अवेलेबल जो पेपर ऑन के चैनल पे ताकि आप इजीली देख लेना एंड इफ येवर टू सी क्वेश्चन तो एक ना एक तो एक तो क्वेश्चन ऑब्वियसली यहाँ से तो आते हैं ऑब्वियसली यू गोइंग टू बी गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम दैट फिफ्टीन गाइज सो डोंट वरी अबाउट दैट मैं ट्राई करूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सो फीएबल टू नो किसके के थ्रू इसको होता है तो यूजीसी नेट जो होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सो दे आर गोइंग टू बी प्रोवाइड सो एम प्लेटफॉर्म डेवलप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एज वेल ऑल इंडिया काउंसिलिंग टू हेल्प ऑफ द माइक्रो योर नो नो गाइज बट इफ येबल टू सी दे आर गोइंग टू बी डेवलप बाई दो गाइज सो फीएबल टू नो गाइज अगर हम बात करते हैं

एंड इनोगाज you know कि आप सबों को तो न्यूज़ तो मिल ही गया होगा जो करेंट हमारा जो अपडेट आया यू जी सी के द्वारा एन टी ए के द्वारा कि उसे नेट कंपल्सरी हो गया पहले के टाइम में क्या था कि अगर आपके पास नेट नहीं भी है मास्टर डिग्री है सो तो आप क्या करते थे बहुत सारे यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया स्टेट गवर्नमेंट हो गया प्राइवेट हो गया जो आपको डायरेक्ट अपने पेट के थ्रू मतलब जितने सारे कॉलेज होते थे उसका एक अपना क्या होता है कि कॉमन एंट्रेंस होता था उसके थ्रू आपको अगर आप उस एंट्रेंस को क्लियर करते हैं सो फॉर दैट क्या होता है वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता था सब कुछ होता उसके बाद सब कुछ बेटर रहा तो वो लोग आपको सेलेक्ट कर लेते थे बट वो क्राइटेरिया अब खत्म हो गया आपके अगर पी करना है तो नेट कंपल्सरी है अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो एंड इफ इफेबल टू सी जो पहले दो कैटेगरी में हमारे एक मतलब एन का स्कीम तो अभी क्या गया थ्री कैटेगरी में उसने डाल दिया एंड इफ इफेबल टू नो मोर डिटेल के लिए आप देख सकते हो हमने कल ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो भी बनाया उसके रिलेटेड सो गाइज दैट्स वाई नेट अगर आपको कैरियर बनाने हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने हैं एज वेल पी एच डी करने हैं सो ऑब्वियसली नेट आपका ज्यादा कंपल्सरी हो गया सो दैट्स वाई प्रॉपर अन एफोर्ड एबल टू सी गाइज कि कंपटीशन भी आपका हाई होगा ऑब्वियसली गाइज जो पहले थे बच्चे जो ऑलरेडी विदाउट नेट के भी पीएचडी मिल जाता था एक पॉसिबिलिटी थी बट वो वो भी क्या होता था कि मान जो एक बार हम कॉलेज में इंटर कर भी गए फिर भी हम जब तैयारी अपना जारी रखते हैं नेट का एजबल जैसे जे आर एफ हो गया हमारा फैलोशिप स्टार्ट हो जाता था, था उसी टाइम से लेकिन अब ऐसा नहीं आपको इन करने हैं 2024 ये भी लागू कब से हुआ तो अभी का जो करंट हमारा एग्जाम होने जा रहा है 24 जून में तो वहाँ से लागू हुआ है कि आपको नेट कंपल्सरी कर दिया है एंड इफ़ यू एवल टू सी अगर आप कैटेगरी वन और टू में एग्जाम करते हो तो उसके लिए आपका जो सर्टिफिकेट होगा वन ईयर का वैलिड होगा एंड एवरी वन ईयर आपका क्या होगा एग्जाम देने पड़ेंगे नेट के लिए अगर मान जाए एक साल में आपने जे कर लिया का लिया दो फर्स्ट और सेकेंड कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो एक साल के अंदर नहीं लिया तो अगले साल फिर आपको दोबारा एग्जाम देने पड़ेंगे वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा सो so, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एज वेल द अपडेट आया है के थ्रू सो दैट्स वाई बेस्टिक गाइड एंड अगर आपको सच में क्लियर करना है जून का सो so, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी एज वेल प्रॉपर आपको गाइडेंस एज वेल द क्लास की जरूरत है ताकि अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करें एज वेल अपने टारगेट को अचीव करें ओके गाइज सो फॉर दैट इफ़ यू एबल टू सी आई एफ एस लेके आया फॉर आपके लिए एक्सक्लूसिव फॉर ऑल दो सब्जेक्ट का ओके सो आई थिंक एबल टू गेट ऑल दो थिंग सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन टू नो का द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन सो वॉट गोइंग टू बी गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेट्स का इज सुफियबल टू नो ये पूछ रहा है कि कौन कौन से कॉम्पोनेट इंक्लूड है लाइक्स प्रमोटिंग द डिजिटल Literacy as well the digital financial transaction. So you able to see digit as in the academic records as well the research publication. If you able to see offering the message open online courses as well all of the web Guys, what answer going to be here? Tell me, guys. So guys, what answer onge? सो गाइज ऑफ कंपटीशन बहुत ही हाई हो गया है एंड बट बट डोंट वरी अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है स्ट्रैटी अच्छी है प्रॉपर वे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वाई वॉन्ट टू बी अचीव गाइज एंड ऑल्सो फॉर नो गाइज कि जो हमारा पहले एग्जाम होते थे रिजल्ट एक और अपडेट आपको मालूम है कि कितने सारे सब्जेक्ट थे जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया मैनेजमेंट हो गया एज वेल सम सब्जेक्ट पे आपको मार्क्स शो करते थे कि आपका पेपर वन में कितना मार्क्स आया पेपर टू में कितना आया ओवरऑल थ्री हंड्रेड में आपने कितना अचीव किया हुआ बट अब जितने सारे सब्जेक्ट हैं एनटीए का सबको क्या कर दिया उसका मार्क्स परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आएगा एंड यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर मिलेगा वो तो आपको पता रहेगा कि पहले ये भी होता था कि यू आर क्वालिफाई यू सी नेट और नॉट बट यहाँ पे जो थर्ड एग्जेम्प्टेड करेगा मतलब जितना यहाँ पे परसेंटाइल आ रहा है अगर आप अप्लाई करते हो यू सी नेट के लिए सो so, वहाँ पे क्या हो सॉरी पी के लिए तो आपके स्कोर के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं क्योंकि सेवेंटी परसेंट आपका जो मार्क्स होगा आपके एन जो रिजल्ट रहेगा एजुसनेट का उस पर और थर्टी परसेंट आपके इंटरव्यू पे कंडक्ट रहेगा अगर आप फोर्थ सेकेंड को एग्जाम नहीं करते हो थर्ड कैटेगरी में आते हो तो सो so, वहाँ भी ऐसा नहीं है कि आप फेल कर गए क्वालिफाई नहीं किए तो आप एलिजिबल नहीं हो उस स्कोर कार्ड से आप अप्लाई कर सकते हो अगर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया तो ऑब्वियसली आप नेक्स्ट लेवल जो उसका इंटरव्यू प्रोसेस उसको फाइट करने होंगे देन आफ्टर दैट यू बट वहाँ पे आपको कोई फैलोशिप नहीं मिलेंगे ठीक है सेम थिंग मतलब मानो कि पहले क्या होता था कि एंट्रेंस लेते थे ना कमन यूनिवर्सिटी अपना कमन एंट्रेंस लेता था जहाँ पे अगर आपका नेट और और सब सॉरी जे नहीं था तो बट यहाँ पे आपका अगर नेट और जे का जो का जो एग्जेप्टो उसका एग्जेप कटअप वो भी आपने क्वालिफाई नहीं किया लेकिन आपको कुछ परसेंटाज तो मिलेंगे ना आपके स्कोर के अकॉर्डिंग सो so, वो स्कोर भी आपको मिला जाएगा उस स्कोर के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हो एंड फेवर टू सी यूनिवर्सिटी को लगेगा कि चलो स्कोर्स अफिशेंट है हमारे लिए जो भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो गए सो वहाँ पे आपको इंटरव्यू होगा और थर्टी मार्क्स उस बेस पे रहेंगे बाकी सेवेंटी परसेंट इस बेस पे उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो आपको वहाँ पे कॉलेज मिलेंगे फॉर द पी एच डी सो ये नहा नया इंप्रूवमेंट है सो जस्ट दिख वट गन्ट टू बीज सी एस गाइज ऑल ऑफ दे टू सी जो गवर्नमेंट डिजिटल इंस्टीट लाइक द इंडिया

करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन का ओके तो सारे के सारे हमारे आंसर करेक्ट है स्टिल मी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन वट गॉन्ट टू बी हिट इज द मेन गोल ऑफ ओपन डेटा इनिशियटिव इन गवर्नमेंट का इज सो यूबल टू सी टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू गवर्नमेंट डेटा टू इनक्रीज द गवर्नमेंट सेक्रेसी टू मेक अ गवर्नमेंट डेटा अवेलेबल एज वेल एक्सेसिबल टू द पब्लिक एज वेल टू लिमिट द पब्लिक स्क्रूटिनी ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटीज का शुवाट को फिल्मी का तो गैस व्हाट आंसर गोंग टू बी यों तो फिर एबल टू नो वे आर गोंग टू बी किड द ऑप्शन नंबर सी गैस टू मेक गवर्नमेंट डेटा अवेलेबल एज बिल एक्सेसिबल टू द पब्लिक सो वार द मेन इसका पूछ रहा मेन गोल क्या है ओपन डेटा एन इनस्टिट्यूशन गवर्नमेंट सो ऑब्वियसली गैस टे आर गों सो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एल एम एस इन द हाइर एजुकेशन सो समू सी आपको कहीं कहीं एल एम एस भी दे देता है इसका फुल फॉर्म पूछ देगा तो वाट गोन्टी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज द फुलस व मीनिंग ऑफ दैट इसका आंसर क्या होगा व्हाट यू आर गोन्ट प्राइमरी पर्पज ऑफ इंप्लीमेंटिंग इसका इम्प्लीमेंट करने का मेन फंडा एज वेल द प्राइमरी पर्पज इसका क्या है इस एल एमएस का To automate administrative tasks, to enhance teaching as well learning experiences, to reduce the cost to increase the enrollment numbers, guys. What are the meaning of that? So obviously मालूम चल रहा है आपको कि हम कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं अजब इसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे आंसर होना चाहिए लर्निंग नामे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का मेन फंडा ही क्या था इसका प्राइमरी पर्पज क्या है तो इफ यू एबल टू नो यस तो यूर एबल टू गेट द ऑप्शन लाइक बी बी एवरी वन गाइस क्या आंसर होंगे इसके

का जो एक वे होना चाहिए एज वेल well, तो जो भी आप कोई चीज सीख रहे हो लर्न कर रहे हो तो उसको एनहांसमेंट करने का मेन काम हमारा था एलएमएस का मतलब उसको एक प्रॉपर वे में डेवलप करना उसको इंप्रूव करना इसका मेन फंडा हमारा इसका था सो एलएमएस प्लेटफॉर्म आर द प्राइमली अडॉप्टेड द फैसिलिटी तो ऑनलाइन टीचिंग हो गया आपका लर्निंग हो गया कोलैबोरेशन अमंग द स्टूडेंट एज वेल द इंस्ट्रक्शन ऑबवियसली इफ एबल टू सी कि एक तरह का देखो जैसे कि वेस्ट एग्जाम्पल तो हम सब सबको देते हैं कोविड का टाइम तो वहां पे आप देख सकते हो कि डिजिटल इंडिया एज वेल द इसका क्या इंप्रूवमेंट हुआ थ्रू ऑनलाइन ऑल दो थिंग टू सी लाइक जहां पे एग्जैक्ट इफ एवल टू सी थ्रू की ऑफलाइन के थ्रू हो रहा है टीचर्स एज वेल स्टूडेंट का इंटरेक्शन टू वे कम्युनिकेशन ऑल दो थिंग सो मोस्टली टू सी इसका काम ही था कि टीचिंग एज वेल द लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस करना ओके टेल मी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन फॉलोइंग टेक्नोलॉजी द ऑनलाइन लेक्चर एज बेल द सेमिनार इन द हाइर एजुकेशन सिंपल क्वेश्चन देखो तो इसका क्वेश्चन बनाने का तरीका कितना अच्छा है एज बेल ऑप्शन बताओ क्या होगा इसका सो so, यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज करके ऑनलाइन लेक्चर देना सेमिनार देना इन द हायर एडुकेशन जिससे ईजिली आपको लगे कि हम

आंसर होंगे तो एवरी वन वेतिका निफी टू सी शाह आप बोल रहे नेहा दस वन मिनट नहीं नया यहाँ इफ एवर टू नो गाइस मैनेजमेंट हो गया चाहे कोई भी हो सबका रिजल्ट ऑफ परसेंटाइल में ही आएगा आपको पहले आती थी ना मैनेजमेंट हो गया कंप्यूटर अगर सॉरी दैट हमको नहीं उतना आइडिया है कि परसेंटाइल में आता था, था लेकिन हमारा कंप्यूटर साइंस का जो रिजल्ट था इफेवर टू तो सी वो हमारा क्या होते थे कि परसेंटेज मतलब परसेंटेज इन द सेंस कि आपका पेपर वन में अगर आपने सो में कितना अचीव किया हुआ पेपर टू में कितना किया हुआ अलग अलग वहाँ पे शो करता था पेपर वन पेपर टू एज वेल फाइनल ओवरऑल यू टू गेट कि आउट ऑफ थ्री हंड्रेड में कितना मार्क्स आपका आया है लेकिन अभी की बात करें तो सारे जितने सारे हमारे सब्जेक्ट्स नेट के अंदर वो सबका रिजल्ट परसेंटाइल में आएगा ओके एंड इफ यू यूवर टू सी आपका यहाँ पे कोई भी फेल वगैरह ये सब का ऐसा कुछ मार्किंग नहीं होगा आपको आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ परसेंटाइल शो करेगा एक वहाँ पे दिया रहेगा ठीक है उसके बाद आप उस बेस पे चाहो तो भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में समवेयर बट उसी की प्राइवेट कॉलेजेस मतलब आपका अगर थर्ड जो कैटेगरी है उसका मेन पर्पस क्या है कि जो पहले भी होता था कि लेकिन आपको यूनिवर्सिटी में एक एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम देना होता था वो एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम अब खत्म हो गया अब डायरेक्ट एन का जो एग्ज़ाम हो रहा है आपका यू सी नेट के जो आपका स्कोर कार्ड आ रहा है उसी के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो सो so, आप यूनिवर्सिटी अगर आप नेट का जो सफिशियंट मार्क्स होना चाहिए जो उसका कटअप होना चाहिए अगर आपने उतना अचीव भी नहीं किया हुआ है एज वेल well, आपका लेस भी मार्क्स है लेकिन वो आपको सीधे लेस मार्क्स क्या होगा आपको कैटेगरी थ्री में आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे ना कि आप इजिली किसी भी यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हो और उसका है कि ऑब्वियसली अगर आप क्वालिफाई होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप जो क्वालिफाई मार्क्स ये वो तो सही है लेकिन एक होता है ना एंट्रेंस होता है कि एंट्रेंस का भी एक, एक आपका कटअप होता है हर एक यूनिवर्सिटी का कि सौ नंबर का एग्जाम नहीं रहे तो तीस चालीस पचास आएगा तो आप क्वालिफाई हो तो आप आगे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो तो सेम थिंग गोइंग टू बी यर गाइस कि वो उस आपका जो पर्सन टाइम मिलेगा उसी बेस पे आप कर सकते हो लेकिन वहां पे आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी आप पीएचडी के लिए जा सकते हो लेकिन कोई फेलोशिप नहीं मिलेगा ये है एज वेल उसके बेस पे आपको पी कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब भी नहीं मिलेगा ओनली एक ही बेनिफिट है कि आप पी के लिए जा सकते हो ना ही कोई मतलब फेलोशिप ना ही कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिलेगा अगर आप थर्ड कैटेगरी में आते हो मतलब आप नेट और जे आर नहीं करते हो लेकिन आपका स्कोर थोड़ा सा बच गया मान जाओ कि कि अगर 120 सौ बीस कटअप जा रहा है आपका आ गया 110 आ गया तो मतलब आप ना नेट क्वालीफाई किए ना जे आर एफ किए लेकिन आपका एक, एक अप्रॉक्सीमेट मार्क्स मिल गया जिसको परसेंटाइज मतलब कन्वर्ट कर देंगे तो उस बेस पे आप किसी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑब्वियसली उस मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर उन्हें आपको सेलेक्ट कर लिया

एग्जैक्ट डिटेल का इसकी क्या क्या हो रहा है कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा सो so, एक क्योंकि नया इम्प्लीमेंटेशन है तो ऑबियसली है इसको प्रॉपर वे से अगर इम्प्लीमेंट हो जाए एक सेशन निकल जाएगा तो ऑबियसली सबको मालूम चल जाएगा कि क्या एग्जैक्ट इसका फंड आएगा क्लियर सोफीएबल टू नो गाइस येस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑब्बियसली है लाइक दर गॉन्ट टू डेली ऑनलाइन लेक्चर हो गया सेमिनार हो गया अबर टू सी गाइस डिफरेंट डिफरेंट आपका पर्पजेस ऑनलाइन के थ्रू वेबिनार हो गया कंडक्ट करते हो सो रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है एक्सपर्टीज एवर टू सी गए जहाँ पे आप टू वे इंट्रक्शन होता है बच्चों के थ्रू हो गया जो भी आप सेमिनार दे रहे होते मीटिंग अटेंड कर रहे होते हो सो ऑल दो थिंग गोन्ट टू मेक लाइक दैट सो किसके थ्रू है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस जहाँ पे एक्जेक्टली इफ एवर टू सी फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है रियल लाइफ जो हमारा फेस टू फेस जैसे करते हैं उसके अकॉर्डिंग गई सो इफ यू एवर टू सी दिस टेक्नोलॉजी गोंट टू बी डिलीवरिंग द ऑनलाइन लेक्चर एज वेल द सेमिनार वेबिनार एज वेल डिफरेंट थिंग इन द हायर एजुकेशन गाइस सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द करेक्ट आंसर ठीक सो लेट्स गो फॉर द सुडियो कॉन्फ्रेंसिबल द रियल लाइफ कम्युनिकेशन एज वेल इंटरेक्शन बिटवीन द इंस्ट्रक्टर एज वेल द स्टूडेंट गाइस ऑब्वियसली जैसे कोविड में देखो वो तो बहुत सारे ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते बी एच यू में मेरे को बहुत सारे कलीग दोस्त सब बी एच यू से एम सी ए किए तो वो उनका पूरा का पूरा सेशन क्या हो गया कि ऑनलाइन ही चला गया घर ही बैठकर दिन दो साल का एम सी ए कंप्लीट हो गया तीन साल का एम सी ए सब कुछ एग्जाम वग्जाम सर्टिफिकेट भी आ गया सो so, ऑब्सियसली ये हमारा क्या है किसका फीचर के थ्रू है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मतलब थ्रू ऑनलाइन भी आ, आप लेक्चर कंडक्ट करो सेमिनार करो वेबिनार करो प्रजेंटेशन एनीथिंग मीटिंग ऑल दो थिंग गोइंग टू बी हैपन एन गाइज ओके सो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर लेट्स टेल मी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ लर्निंग एन अ लिटिक सिस्टम इन द हायर एजुकेशन टू ट्रेक द स्टूडेंट अटेंडेंस टू मॉनिटर द स्टूडेंट इंगेजमेंट एज वेल द परफॉर्मेंस टू ऑटोमेट द ग्रेडिंग एज वेल टू मैनेज द फैकल्टी वर्क लोड इसका मेन फंडा क्या था मेन पर्स इसको इम्प्लीमेंट करने का मेन पर्पज क्या था आपका इफ एवर टू सी एल ए एस इसको बोल सकते हो एल ए एस इज द शॉर्ट फॉर्म लर्निंग एनालिटिक सिस्टम यू नोट टू बी रिमेंबर क्योंकि शॉर्ट फॉर्म जरूरी है गाइज इतना क्या होगा हम इसको पढ़ देंगे छोड़ देंगे बाद में ये मिलेगा तो हमको समझ में नहीं कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा सो दैट्स एक जहाँ शॉर्ट मिले उसका फुल फॉर्म नोट कर लो जहाँ फुल फॉर्म मिले उसको शॉर्ट में बना लो ताकि कभी शॉर्ट में पूछ दे तो इजिली आप उसको कर सको सो यूर एबल टू गेट द बीबी बी ओके सो वट गाइज थैंक यू गाइज To know guys, इसका मेन परपेस क्या होता so है हो अगर इसको आप रियल लाइफ में इवेल्युएट करेंगे सो ऑब्वियसली वोट टू वी गेट द करेक्ट ऑप्शन गाइज सो क्या होगा व्हाट गोन्ट टू वी सो अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि टू मोनिटर्स द स्टूडेंट इंगेजमेंट एज वेल द परफॉर्मेंस तो मोस्टली वी आर गोइंग टू वेल्यूएट कि जितने सारे स्टूडेंट है जो ऑनलाइन एज वेल डिजिटली अपना एजुकेशन को कर रहे तो उनसे इंगेजमेंट रखना उनको प्रॉपर इंट्रेक्सन गाइडेंस ऑल द थिंग एज वेल उनके जो परफॉर्मेंस है उनका कैसा वो अगर कोई किसी भी डायरेक्ट uh, एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे स्टडी कर रहे कोई भी कोर्स कर रहे तो उनका परफॉर्मेंस को कैसे इन्हांस करना कैसा परफॉर्मेंस उसको देखना एज वेल मोनिटर करना सो ऑल दी थिंग गोइंग टू बी हैपन थ्रू दिस इम्प्लीमेंटेशन जो हमारा एल हुआ था इन हायर एजुकेशन तो इसका मेन काम वही है कि मोनिटर द स्टूडेंट एंगेजमेंट एज वेल द उनके परफॉर्मेंस को बराबर मोनिटर करते रहना का

बट sure, ये सब इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में स्पेसिफिक so अभी यहाँ पे मालूम चल रहा है ना आपको किस क्या पूछ रहा है ओपन एडुकेशनल रिसोर्स सो अगर आप की को देखोगे तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में कुछ आइडिया आएगा किससे रिलेटेड क्या यहाँ पे ऑप्शन बन सकते हैं इसका मीनिंग क्या हो गया सो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू दैट आपको सोचने है। क्योंकि जब भी कोई आंसर मार्क करने जा रहे हो ना तो अगर को तो जो भी क्वेश्चन को अच्छे से सोचोगे ना तो उस क्वेश्चन का कुछ पॉइंट होगा जो आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे सो so ऑब्वियसली उसके थ्रू अगर आप इंटरलिंक करोगे तो आप आंसर करेक्ट फाइंड कर सकते हो सो दैट्स वाई नीड टू बी थिंक अकॉर्डिंग टू दैट सो वाट गोइंग टू बी हियर एंड ऑल्सो एबल टू रिमेंबर ओ ई आर जितने एब्रिविएशन आपको मिल रहे हैं ना तो इसको नोट आउट कर लेना आप ताकि आपको कोई इश्यू नहीं होंगे ओई आर मतलब ओपन एडुकेशनल रिसोर्सेसूव दफोर्डेबिलिटी मैटेयल हो तो उसके रिलेटेड जितने सारे मेटेरियल है उसको एक्सेस करना उसको लेना ताकि तो आप कर लोगे ले लेकिन फ्यूचर क्या होगा अपना कोर्स कंप्लीट हो गया अगर आपने मेटेरियल ही एक्सेस नहीं किया मेटेरियल रखे कल चल कर रिवाइज करना करना है जो भी करना तो अब इसलिए आपके पास एक प्रॉपर मेटेरियल होना चाहिए ताकि आप उसके थ्रो आप अपने जो भी आपका जो नॉलेज उसको इन्हांस कर सकते मोस्टली फीवर टू सी इसका मेन पर्पस था कि जो भी आप कोर्स कर रहे हो डिजिटल तो थिंग तो उस कोर्स के जो जो मेन में रिसोर्स मेटेरियल हो सकते उसको आप एक्सेस कर सको एज वेल फ्यूचर के लिए स्टोर कर सको सकोगाइज सो यू हैवर टू सी एक्सेसिबिलिटी बाय द प्रोवाइडिंग द फ्री एज वेल द लो कॉस्ट एजुकेशनल रिसोर्सेज दैट कैन गोइंग टू बी फ्रीली एक्सेस री यूज एज वेल द

जैसे कि आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आपको आईटी रिलेटेड ही कोर्स मिलेंगे बहुत सारे कोर्स आप मैनेजमेंट से हो टू सी आप इकोनॉमिक्स से हो मैथमेटिक्स से हो एनी सब्जेक्ट से आपने मास्टर किया अगर आप चाहते हो उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन कर ले फ्रीली में सो ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबली एबल टू सी आप कोर्स जाओगे ना तो यहाँ पे एक एक कोर्स का फी चार हजार पांच हजार छह हजार होंगे बट यहाँ पे एक निश्चय जैसे आओगे ना सेक्शन में जो भी कोर्स का अगर आप फर्स्ट पेज ओपन करोगे नीचा हो गे अप्लाई फॉर द फाइनेंशियल सो जैसे उस पर क्लिक करोगे एक स्कॉलरशिप का फॉर्म खुल जाता है तो वहां पे उसको आपको सारे डिटेल जो जो पूछेगा अगर आप उसको अप्लाई कर देते हो सो एज वेल जैसे सबमिट करेंगे आप वन वीक के अंदर आपको अप्रूवल आ जाता है एंड एजवेल well वो कोर्स आपको टोटली totally फ्री हो जाता है अब उसका कोर्स का जो ड्यूरेशन है उसको आप जैसे आप कंप्लीट करेंगे ऐसम एजबेल कोर्स के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे असाइनमेंट भी देते हैं क्वेश्चन भी दिए जाते हैं सारे को क्लियर करते करते फाइनल में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है सो so, वो सर्टिफिकेट बहुत ही वैलिड रहता है ऑल्सो इफ यू येबर टू सी यू में जाओगे आप यू डी का ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पर फ्री कोर्सेज रिलेटेड टू कोर्स अगर आप जो भी आप करना चाहते हो करोगे तो वहाँ भी बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो आ, आवर मतलब आवर अकॉर्डिंग आवर, होते हैं फाइव so, आवर सिक्स आवर टेन आवर ट्वेंटी आवर उसके अकॉर्डिंग होते हैं सो उसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो ऑब्वियसली आफ्टर तो दैट जैसे सक्सेसफुली हंड्रेड परसेंट कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर आपका सो so आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट शो करने उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं योर नेम क्रेडेंशियल ऑल द थिंग वर गेट का So, ये दो तो पोर्टल बहुत ही बेस्ट है जहां से हम, मैंने तो ऑलरेडी मोर देन ट्वेंटी प्लस सर्टिफिकेट किया हुआ है यहाँ से सो दैट्स वाई यहाँ से आप कर सकते हो गई ठीक है सो ये भी एक तरह का ई फ्री पोर्टल है कोई आपको बताएगा नहीं बहुत हो जिनको आइडिया नहीं रहता है कि आप सपोज कितने चाहते हैं कि मुझे ये जॉब करना है तो इस जॉब के लिए मुझे प्रॉपर सर्टिफिकेशन की जरूरत है ताकि सब क्योंकि आप रबर उसी आप जाओगे तो पूछता आपने क्या क्या किया है आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है कोई नॉलेज है इस एरिया से रिलेटेड सो इसलिए अगर उस एरिया से रिलेटेड आप कोई भी कंटेंट आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं कुछ एक्सपीरियंस नॉलेज सो ये दो प्लेटफॉर्म बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ से आप पर से अगर आप एनपीटीएल पर भी जाओगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको मतलब इंटायर स्टडी के लिए तो फ्री रहेगा लेकिन जैसे आप सर्टिफिकेट ले जाओगे तो आपको चौदह सौ पंद्रह सौ सोलह जो इसका मिनिमम अमाउंट है उसको आपको पेमेंट करने होते हैं तो अब एग्जाम दोगे एज वेल आफ्टर दिवटिफिकेट बट यहाँ पर टोटली फ्री है गाइस ऑब्वियसली इफ एवर टू नो एंड इसका बहुत ही अच्छा वैलिड है ये मोस्ट टू सी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया हो गया मतलब जितने सारे यूएसए के जितने सारे बड़े बड़े होते हैं आई

So to 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 get the 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 next question on the screen, guys. guys. So, what what going 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 be 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 so, which technology allow student to participate in collaborative project, regardless of their location, guys? So, what are going to be here? अब इस क्वेश्चन को समझो को नतीजे आपके माइंड में आ जाएगा कि विस टेक्नोलॉजी स्टूडेंट गोइंग टू बी पार्टिसिपेंट कौन से एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसको स्टूडेंट मोस्टली प्रिफेयर करते हैं यूज करते हैं कोलेबरेटिंग द प्रोजेक्ट जो उनका प्रोजेक्ट है उसको कोलेबरेट करने के लिए ओके जहाँ पे गोइंग टू बी है रिगार्डलेस ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन मतलब ओके उसके थ्रू अगर वो मेन फीचर क्या होता है जिस जिसपे वो ज्यादा मोस्टली प्रेफर करते हैं अगर उस पर अपने प्रोजेक्ट को वहां पे रेपो करते हैं उसको स्टोर करते हैं ताकि इन द फ्यूचर अगर किसी को भेजना हो तो डायरेक्टली उस लिंक को भेज दे उसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं सो व्हाट गोइंग टू बी है so, एवरी वन का आंसर गाइस व्हाट यू आर गोइंट टू वी गेट सो हो गए क्या आप लोग बी अगमेंटेड रियलिटी सो लेट्स टू मेक द करेक्ट आंसर अमरदेव वर्चुअल रियालिटी

डोट लूज योअर होप गाइज बी कनेक्टेड मीद एंसर एबल टू गेट प्राची ठाकुर जी अमरदीप ऑल दूस आर से शाश्वं सॉरी सेल टू सीट गोन्टीर गाइज नो इट्स क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग इज द करेक्ट आंसर गाइज फी एबल टू नो नाउफ यू टॉक अबाउट दैट आपके पास क्लाउड से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिजिटली अपना वहाँ पे क्या कर सकते हो कोई भी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक वर्क हो गया एज वेल एनी आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो एज वेल well, वहीं पे आप चाहो तो जैसे कि हम एक होता है ना कि मेमोरी होता है जहाँ पे हम जैसे कि आपके सिस्टम हो गया वहाँ पे स्टोर कर रहे हो एज वेल well, एक क्लाउड पे डाल रहे हो सेम थिंग लाइक आप जैसे कि आपको मालूम होगा गाइज कि गूगल ड्राइव है आपके पास ऑलरेडी सो वहाँ पे आप यूज़ करते हो एक तरह का क्लाउड का ही प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आप अपने फोल्डर में रखते हो लैपटिप में रखते हो जो लैपटॉप का जो आपका फोल्डो सी जो स्टोरेज है उससे अच्छा आप वहाँ पर रखते हो तो वहाँ पर कभी भी लॉस नहीं होगा एजबिल वहाँ पर सिक्योर है क्योंकि वहाँ पर आपका अपना पर्सनल क्रेडेंशियल है जब तक किसी को अपना आपका क्रेडेंशियल ना मिले वो एक्सेस भी नहीं कर पाएगा एंड सिस्टम में क्या होगा कि आज सिस्टम सही है यू डोंट नो कि एक घंटे बाद आपके और जहाँ पे सिस्टम रखे हुए एज वेल चोरी भी हो सकता है डैमेज हो सकता है कुछ भी हो सकता है बट वहाँ तो आप पे आपका डेटा लॉस भी हो गया जब आपका वो सिस्टम गया तो डेटा भी लॉस लेकिन जो क्लाउड पे है वहाँ पर वो सिक्योर है एज वेल एनी वेयर एज वेल एनी टाइम आप कहीं भी किसी को भी अगर उस लिंक को शेयर कर दो दे आर एबल टू एक्सेस एक्सरसाइज ओके अब जैसे कि यूनोगाइ कि आप देखोगे यहाँ पे कि आप सबों को मालूम होगा कि डिफरेंटली पर गिटअप होता है गिटअप हो गया आई थिंक इफ यू एवल टू नो दिस पॉइंट गाइस गिट हव जो रेपो है जहाँ पे हम रेपो बनाते हैं रेपोजरी एज वेल ईयर वी आई गॉन्ट टू वी लाइक अपना जितना अभी तक प्रोजेक्ट किया हो जितना भी वर्क किया हो उसको आप वहाँ पे ईजिली रिपोजिटरी बना के आपका एक अलग स्पेस मिलता है वहाँ पे पोर्ट सबको स्टोर कर सकते हो एंड वेन एबल एबल टू सी गए जब किसी को शेयर भी करना डायरेक्ट लिंक को भेज दो इजिली दे आर एबल तो टू डाउनलोड योर एंटायर प्रोजेक्ट एज वेल well उसको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो कि समोन न्यू है उस प्रोजेक्ट को कैसे एक्सेस करना है आर एबल टू फिल ऑल दो इंस्ट्रक्शन का ताकि वो इंस्ट्रक्शन पढ़ के इजिली उस प्रोजेक्ट को रन भी कर सकते हैं अपने सिस्टम में एज वेल well, कौन कौन सा टूल्स टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए तो आप सारे चीज वहाँ पे मैंशन कर सकते हो तो मोस्टली फी एबल टू सी की अगर बात करते हैं तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया ऑन दैट यू एबल टू स्टोर ऑल दो योर प्रोजेक्ट एज वेल योर स्पेसिफिक जो वर्क है उसको आप डाल सकते हो क्लियर है

You're able to get like the live batches, mock tests, unit test, daily practice paper. So all the things are going to be get for that you need to be enroll yourself as well. Oh shit chico. That's very bad now. So www ifs online dot com. as well. ओके ओके सीख होता है समवेयर नेटवर्क इशू हो जाते हैं ना तो या आपका मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इंटरनली जिसके चलते नहीं हो रहा होगा सो गज़ डू इन क्योंकि पेपर वन बहुत जरूरी है काइज़ पेपर वन में अगर आपको इसे नेट क्लियर करना है विध गुड मार्क्स एंड एफ एज यू एबल टू सी फॉर द न्यू स्टेड कमर्स फास्ट हो गया काज सो पेपर वन एक ऐसा है ना सेंस की जो भी आपका फैकल्टी हो गया एडोकेटर हो गया उससे इंटर करना है थ्रू द मोबाइल डिवाइसेस के लिए मोबाइल मोबाइल डिवाइसेस है तो so, क्या आपका वो मेन होना चाहिए गाइस कौन सा प्लेटफॉर्म किस टेक्नोलॉजी से वो हो सकता है वर्चुअल रियलिटी में मोबाइल ऐप एज वेल द वेरेबल टेक्नोलॉजी गाइस सो व्हाट गोइंग टू बी योर थिंक प्रॉपरली बफर रियली ओ लेट्स सी ओ हो सो सैड रियली इट्स बफर पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है सी हमारा मोबाइल ऐप अब गाइज देखो आपके पास मोबाइल का वो अप्लीकेशन तो होना चाहिए जहाँ पे आप किसी भी इंस्ट्रक्टर जो होते हैं उसको आप देख सकते हो एक्सेस कर सकते हो कोई भी डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हो सब कुछ तो मोबाइल डिवाइस है लेकिन उसके अंदर वो पार्टिकुलर ऐप तो होना चाहिए ना गाइज दैट्स वाई नीड टू बी थिंक प्रॉपरली आप अगर मोबाइल में अगर मान जाओ फेसबुक चला रहे हो तो अब इसलिए आप ट्यूबे से चला सकते हो तो मान जाओ उसका है कि आप डायरेक्ट गूगल क्रोम ओपन करके वहाँ पे मैनुअली आप फेसबुक सर्च करके वहाँ पे डिफेंट एज वेल आप उस पार्टिकुलर चीज से रिलेटेड फेसबुक का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं इंस्टा का जो भी आपके पास कहीं मान जाओ आप आई के पास आई एफ से क्लासेस कर रही हैं तो आई का पार्टिकुलर जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर अपने फोन में रखती है ताकि आप उसे डायरेक्टली ही से इंटैक्ट कर सकते हो कोर्स को एज वेल ऑल द थिंग टू बी एक्सेस ना सो मोबाइल ऐप इज द करेक्ट आंसर एंसर क्लियर मैंने सही बोला मच इंटेलिजेंट सो बी हाउ डज सोशल मीडिया इंटीग्रेशन बेनिफिट फॉर द हायर एडुकेशन अब लोग सोशल जो मीडिया है उसको बोलते हैं कि गलत है लेकिन इफ आर टू सी बहुत ही बेनिफिशियल है इन द हायर एडुकेशन तो कौन से वे में एज वेल उसका क्या मेन बेनिफिट वट एंसर गोन्ट टू बीर इट्स लिमिट्स एज वेल It's provide the uh, platform for sharing the educational resources and what guys hosting the collaboration. It increase the tuition fee. It reduce the student engagement. So what contribute? So guys, what answer honge?

कि फेसबुक कम्युनिटी हो गया तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ऐसा हम प्रो, 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 प्रोफाइल बना लेते हैं जो एग्जैक्टली exactly हमारा किसी एग्जाम में स्पेसिफिक होगा जैसे मान लो कि हमारे पास सौ ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं एज वेल तो द दोस्त है जो हम इस ओब्वियसली यू सी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं सो बेटर वे बे सबसे प्रॉपर इंटरेक्शन हो सके हम क्या करते हैं एक प्रोफाइल ही बना लेते हैं जहां सबको ऐड करते हैं उस प्रोफाइल का नेम ही हो गया आपका मान जाओ उस ग्रुप का कि यू सी नेट प्रिपरेशन

एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दट यूर एबल टू गेट फ्रॉम द पी पी टी आपको मिल जाएंगे सो इफ यू नो दिस इज ऑल दो आपका एन टी एज वेल द डिफेंटिव एग्जाम के टॉपर्स है गाइज एंड इफ यूबल टू सी फॉर मोर डिटेल प्लीज इस ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड ऑफल ऑन दैट नंबर सो दे आर गोइन टू भी हेल्प विद योर प्रॉपर वेगा ओके थैंक यू एवरी वन मिलते हैं कल के सेशन में सो so, टुमारे okay, so, so, भी आर गोन टू बी सी एट द सेम टाइम एलेवन ए ए एम ओके गाइज सो लेट सी एवरी वन टूमो थैंक यू है अभी है हमने वाइट कलर ओके गाइस सो मिलते हैं कल के सेशन में ठीक है तो so, तब देख ले बाय बाय एज वेल हैप्पी लर्निंग विद आई थैंक यू चिकू सो लेट्स सी टुमारो एज वेल टुमारो एंड इफ यू एबल टू सी जितने यहाँ पे कम्युनिकेशन के पेरेंट्स हैं, सो so, गाइज उनके लिए बेनिफिट है कि हम मंडे से हमारे कंप्यूटर साइंस का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन को स्टार्ट करें द ऑल दो यूनिट वहां पे हम क्वेश्चन सिप देखेंगे आज बल उसका सॉल्यूशन